शुभ नवरात्रि। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन और आराधना की जाती है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र, बाण आदि शस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा पूजा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधकों का, योगियों का मन मणिपूरक चक्र में स्थित रहना चाहिए या प्रविष्ट होना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधानी से साधना करने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सद्य फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्ट का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। बता रहे हैं आपको कि माँ चंद्रघंटा के लिए कौन सा शब्द है, कौन सा बीज मंत्र है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा का जो कलर है वो है येलो, और चक्र मणिपूरक चक्र है, और इसका बीज मंत्र है रम। और हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन और कर्म और काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतया परिशुद्ध और पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। माँ चंद्रघंटा की उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सदगति को देने वाला हो, ऐसी मेरी
प्रार्थना है। नवरात्रि की शुभकामनाएं मित्रों, धन्यवाद।